नमस्कार, वेलकम टू कुकिंग विद अंकित। मैं सुकृति आपका कुकिंग को इनकरेज करने के लिए आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हरे चना की हलवा। हरे चना की हलवा बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 1 कप हरे चना, 2 टेबलस्पून खोया, 2 तेज पत्ते, 1/2 कप ग्रेटेड नारियल, 1/4 कप चीनी, 2 टीस्पून घी, 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, 2 पिंच नमक, 2 टेबलस्पून मिला हुआ ड्राई फ्रूट्स। मैं यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा काजू, थोड़ा सा पिस्ता, थोड़ा सा एलमंड की स्लाइसेस। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। हरी चना को मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा था। अब मैंने इसको पानी को ड्रेन आउट करके मिक्सी में पीस लूँगी। चना को मैंने अच्छे से स्मूथ पेस्ट बना लिया। अब इसको मैंने एक बोल में निकाल लूँगी। अब मैंने एक गरम कढ़ाई में घी डाल रही हूँ। घी मेल्ट होने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी तेज पत्ता। तेज पत्ता ऐड करने के बाद 1 मिनट वेट करूँगी। अब मैं ऐड कर रही हूँ पेस्ट किया हुआ चना। चना को अच्छे से भूनूंगी जब तक चना ड्राई ना हो जाए। चना की पेस्ट ड्राई हो गए है और इससे घी भी छोड़ना स्टार्ट हो गए है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ग्रेटेड नारियल, मैंने ताज़ा नारियल यूज़ कर रही हूँ, चीनी, खोया और नमक। अब मैंने सारी चीज़ को अच्छे से मिलाऊंगी। सारी चीज़ अच्छे से मिक्सअप हो गए हैं। अब मैंने इसमें डाल रही हूँ इलायची पाउडर और थोड़ा थोड़ा ड्राई फ्रूट्स। थोड़ा हम इसमें देंगे और थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए यूज़ करेंगे। अब मुझे मिलाना है। हलवा रेडी है। अब मैंने इसको एक कटोरी में निकाल लूँगी। सर्विंग करने से पहले तेज पत्ती को निकल दीजिए। कटोरी में डालने के बाद मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश करूँगी। आप इसको ट्राई कीजिए और एंजॉय कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए प्लीज़ मेरे कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।